पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज। चिंकी मिंकी ऐसे नहीं करना। आप चुप रहिए, हमें करने दीजिए, हमारा काम है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, चना मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, मक्की दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी। हो गया हो गया, आप प्लीज शुरू कीजिए, प्लीज शुरू कीजिए। हम क्लास में पढ़ते थे, आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब वो तो फर्स्ट, तो हम लोग सेम सेक्शन, सेम क्लास, सेम सीट, सेम सीट, साथ में बैठते थे, घटे 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 साथ में लगे रहते थे। तो मम्मा ने बोला अलग बैठा करो, हमारी रोज पीटीएम पे कंप्लेंट आती थी। तो रिसेस में मैं एब्सेंट थी उस दिन, हमारा लंच ब्रेक हुआ, बाहर गई है, एक लड़के ने उसको प्रपोज किया। What, मुझे, how old, how old? मुझे समझ के 10th स्टैंडर्ड में इसको प्रपोज किया कि सुरभि वो एक चॉकलेट लाया था, तब ना बॉर्नविल आई थी, नहीं नहीं तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो गई कि नई चॉकलेट लाया यार, क्या करूं, मैं सुरभि थी भी नहीं, अब समृद्धि, तो मैं पता भी था मैं एब्सेंट हूं। तो उसने प्रपोज करा बिल्कुल ऐसे एकदम आशिकों वाला, मैंने क्या किया, मैं चॉकलेट लेके बोले ओके यस, मैं चली गई। अगले दिन वो आया, इसका हाथ पकड़ रहा है, कहती हुआ यू, ब्रो हुआ यू, कल ही तो एक्सेप्ट किया तूने, मैंने कहा नहीं मेरी बहन है, उसको पता नहीं था, हम लोग नए नए स्कूल में आए थे। बस वही पहले वो प्रपोज वाले टर्म भी ऑफर होता था, ऑफर मार दे, मेरी सेटिंग करा दे, ऑफर मार कर। हमने एक दूसरे का टेस्ट था, वो ये वॉशरूम चली गई थी तो मैं भी वॉशरूम गई, इसको आता नहीं था वो आंसर, तो इसकी सीट पे बैठी, मेरी सीट पे बैठी, तो उन्होंने एक दूसरे का कर Damn good, and nobody knew. No. And you both did well. Yeah. We both passed. Exactly. मैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कभी कभी। मैं भी सोच। हमारे शो में भी आती है ना। हाँ। तो हाय बोलकर जाती हैं, तो एक बार मैंने बोल दिया, मैं कहा भी आपका वो नंबर वगैरह, तो कहती हाँ जी, मैंने कहा क्योंकि शोज वगैरह की इंक्वायरी वगैरह आती रहती है, कहती ठीक है, तो कहती मैं हाँ अभी देती हूँ, तो बाद में दूसरे भी ले आ गई, मैं कहा आपने दिया ही नहीं, कहते क्या, मैंने कहा नंबर अभी मैंने पूछा, ओहो आप नंबर मांग रहे हो, बाल भी दोनों इकट्ठे सेट कर दिया, कर दिया ना। ओके हाँ, इट्स बीन अ ईयर एंड अ हाफ जब से हमने स्टार्ट किया, सो वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग आवर नॉर्मल वीडियोस, क्या हुआ सर आप हंस रहे हो, इट्स बीन अ ईयर जब से हमने स्टार्ट किया, तो मतलब अंग्रेजी मेरे जितनी आती है इसको भी, पहली लाइन इंग्लिश में, तो हम दोनों बहुत परेशान हुए कि व्हाट जस्ट हैपेंड, रिजेक्ट हो गए हम, फर्स्ट टाइम ऑडिशन है उसमें भी रिजेक्ट हो गए, तो एकदम होप्स बिल्कुल डाउन हो गए थे। देन आफ्टर, सो ये बात आपको भी नहीं पता, परेशानी किसको ज्यादा हुई, आपको ज्यादा हुई या उसको, मेरे को ज्यादा हुई, इसका पता नहीं। तब आपके वाला डायलॉग हमें दिया था ऑडिशन में, अच्छा? चंदू चप्पल वाला, वो वाला फिर मेरा काफी हाथ है आपको। और सर आपको पता है हमें वो डायलॉग रिहर्स करने में 7 आवर्स लगे थे, सिर्फ 3 लाइनें याद, इधर उधर की बातें छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो, मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है। तुम्हें छेड़ता क्यों, उसको छेड़ता है, मुझे छेड़ता है, इसका पता नहीं, हमने बहुत नॉर्मल किया था, हमने ऐसे किया था, बोला इधर उधर की बातें छोड़ो कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो, मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ। तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम नम, तो उन्होंने बोला इसको थोड़ा ठुमके मारो, हमने ठुमके मारे थे, फिर हम सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, गानों पे ठुमके मैंने बड़े सुने हैं, ये डायलॉग, डायलॉग पे ठुमके मारे थे। जब बचपन में हम लोग देखते थे शो, सर आपका हम इतना इतना पसंद करते थे ना, बचपन में क्या मतलब, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बचपन, आपकी उम्र के तो है ये। मैं 1-2 साल का फर्क होगा, आप 1-2 साल ही बड़ी होंगी मुझसे। सही बात है, सही कह रहे हैं।